हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ज्वेलरीज का नाम लेते ही हर औरत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और अगर ये हैंडमेड ज्वेलरी हो तब तो उनका दिल भी खुश हो जाता है। तो चलिए आज बनाते हैं पॉलीमर एयर ड्राई क्ले से ज्वेलरी। ये बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना भी बहुत ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्ले को अच्छे से हाथों के बीच मसल लेंगे और हमें जितने बीट चाहिए हम उन्हें उतने टुकड़ों में तोड़ लेंगे। फिर हम इन बीट्स को अपने इच्छा के अनुसार शेप दे देंगे, चाहे आपको राउंड चाहिए, स्क्वायर चाहिए या ओवल चाहिए, वैसे शेप का हम दे देंगे। मुझे गोल चाहिए था और कुछ बीट्स लंबे चाहिए थे। अक्सर ये पॉलीमर क्ले हाथों में चिपक जाता है, तो ये हाथों में ज़्यादा चिपके नहीं, इस वजह से मैंने इसके लिए जॉनसन बेबी पाउडर यूज़ किया है। आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इन बीट्स में छेद करने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ की नीडल का यूज़ किया है। अब हमें पेंडेंट बनाना है, तो मैंने क्ले का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लिया है और टेलकम पाउडर की हेल्प से मैंने इसे रोल कर लिया है। पेंडेंट की कटिंग करने के लिए मैंने एक स्टील के ग्लास का यूज़ किया है और उसमें एक और ढक्कन के यूज़ करके मैंने एक हाफ मून का शेप बना लिया है। और इसमें धागे पिरोने के लिए मैंने सेम उसी नीडल का यूज़ किया है और अपने ज़रूरत के अनुसार जहाँ मुझे चाहिए वहाँ पर मैंने उसमें होल कर लिए हैं। सेम प्रोसेस दोहरा कर हमने इयररिंग्स की कटिंग कर ली है और इसके लिए मैंने छोटे शेप के ढक्कन का यूज़ किया है। तो हमने ऐसे देख जैसे आप देख रहे हैं कि सेम साइज़ के दो पीस निकाल लिए हैं और उन इयररिंग के पीसेस पे में भी हमने होल कर लिया है। अब मेरे डिज़ाइन में मुझे एक छोटा सा बर्डी चाहिए, तो मैंने निडल की हेल्प से जो पेंडेंट के टुकड़े बचे हुए थे मैंने क्ले में छोटा सा एक बर्डी बना लिया। बहुत ही प्यारा क्यूट सा बर्डी बना हमारा। अब हमें इन एयर ड्राई क्ले में कलर करना है, तो वैसे ये सूखने में लगभग डेढ़ घंटे लेते हैं, तो इन्हें हैंडल करना इजी हो जाता है। इसके बाद हम इन्हें अपने मनचाहे कलर से कलर कर सकते हैं। मैंने इसमें गोल्डन कलर यूज़ किया है और मुझे इसमें एक बार कलर हल्का लगा तो मैंने इसे डबल कोट कर लिया था। और सेम प्रोसेस करते हुए हम बीड्स को भी, जितने बीड्स हमें गोल्डन चाहिए हमने गोल्डन कलर कर लिए। और देखिए मैं इन्हें बहुत अच्छे से डिप करके कलर कर रही हूँ। जहाँ पर हमें कलर कम लगता है हम उसे दोबारा कलर कर सकते हैं। जब मेरे बीट्स गोल्डन कलर के हो गए तब मुझे कुछ बीट्स रेड कलर के भी चाहिए थे, तो मैंने उनको बहुत ही अच्छे से कलर कर लिया। और मैंने कलर करने के लिए एक्रिलिक कलर यूज़ किया है। तो देखिए कैसे मैं नीडल की हेल्प से उसको पकड़ रही हूँ और कलर कर रही हूँ। जब हमारे बीट्स कलर हो गए तो मैंने अपनी चॉइस के अनुसार अपनी बर्डी को बहुत ही अच्छे से ब्राउन ग्रीन रेड इनका मैच कराते हुए मैंने कलर कर लिया।
फिर नेक्स्ट मैंने सोचा कि मेरी ज्वेलरी काफ़ी फीकी लग रही थी, तो मैंने उसको सजाने के लिए छोटे छोटे स्टोन्स का यूज़ किया। ये स्टोन्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट के शॉप में इन्हें ढूंढना इजी होता है। इन स्टोन्स को चिपकाने के लिए मैंने फेविकोल के ऑल फिक्स गम का यूज किया है। अब जब हमने स्टोन्स को चिपका दिया है तो अब हम इन्हें आराम से सूखने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें रेड कलर के टेसल्स लगाए हैं, ये किसी भी कढ़ाई के धागे से, नॉर्मल धागे से या फिर रेशम के धागे से आप बना सकते हैं। मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी है कि जब मैंने ये ज्वेलरी के पीसेस बनाए, इनमें जो होल किया था, ये होल सारे सूखने के बाद काफ़ी छोटे हो गए, क्योंकि जो ये पॉलीमर एयर ड्रायर क्ले होता है, ये सूखने पर काफ़ी सिकुड़ जाता है, तो इसमें किए गए होल भी छोटे हो जाते हैं। मुझे इसमें धागे पिरोने में बहुत प्रॉब्लम आई, इस वजह से मैं इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये मैं इंसिस्ट करूँगी कि जब आप ये ज्वेलरी बनाएं तो इसमें जो होल करें वो थोड़े से बड़े रखें। और हमारा ब्यूटिफुल सा नेक पीस एंड इयर रिंग रेडी है। Thank you for watching.